गुरु हुक्म विच रामपुर खेड़े नू गुरमत प्रचार केंद्र बनाउणा। एक दिन सिमरन विच लीन आनंद मगन अवस्था दा रंग माण दी सुरती विच सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दर्शन बाबा जी नू होए। सतगुरु जी ने वचन कीता कि भाई हरनाम सिंह तुसी हुण इस एकांत नू छड के अपने ही इलाके विच चले जाओ जो कि गुरसिखी वलों बहुत पिछे है अते नास्तिकता दी डूंगी दलदल विच फसिया होया है। उन्हां लोकां नू गुरमत गाड़ी राह उपर तोरो अते गुरसिखी दा प्रचार करो। ये हुक्मी वाक कन्ना राही तुर अंदर उतर गए ते नाल ही सवाल उत्पन्न होया कि सतगुरु जी जावां कित्थे, पिंड जां किसी होर जगह। सतगुरु जी ने हुक्म कीता कि हुण पिंड नहीं ठहरना, तुहाडे पिंड तों चढ़दे पासे 4-5 मील दे विथ ते एक उजाड़ थेह है, उस जगह नूं केंद्र बनाउणा है। अते सुरती विच ओह जगह भी सतगुरु जी ने बाबा जी नूं दर्शा दित्ती, दिखा दित्ती। एक बड़ा भारी 10-12 बोहड़ां दा झुंड है, हेठां छोटे छोटे होर दरख्तां दे नाल एक बेआबाद झिड़ा बनिया होया है। ना ही इत्थे कोई कमरा है, सवाए उजाड़ दे इत्थे होर कोई वस्तु नहीं है। फिर मन विच फुरना आया कि मैं तां सारी आजू बाहर ही रहा हाँ, क्योंकि आप जी पहली आजू विच सरगोधे चले गए सन, उपरंत कुछ समा धौलपुर बतीत कीता। सो बाबा जी दे मन विच फुरना आया कि मैं तां सारी आजू सारी उम्र बाहर ही रहा हाँ, मेरा तां इस इलाके विच कोई जाणू पछाणू भी नहीं है, किवें ते की करांगा। तद गुरु महाराज ने फिर हुक्म कीता, हरनाम सिंह तू जाके बैठ जा, बाकी सारे प्रबंध परमेश्वर जी आप करनगे। सगल सरंजाम करे प्रभ आपे, भय मनोरथ सो प्रभ जापे। बाबा जी मनो एकांत विच टिक करके ही सतगुरु जी वलों बख्शे इलाही नाम रस का आनंद मानना चाहते सन, पर सतगुरु जी का हुक्म तो सी कि हुण इस एकांत नू छड के विचर के गुरमत का प्रचार करना है। भावें बाबा जी का मन अगम्मी रस नाल सरशार इस एकांत नू छड्डण लई बिल्कुल नहीं सी मन रहा, पर दूजे पासे अपने गुरदेव जी का हुक्म सी। पर हुक्म मनना ही सब तो औखी खेड है। हुक्म दे अगे जीव की अपनी कोई हस्ती नहीं रह जाती, कोई होंद नहीं रह जाती। हुक्म अगे अपनी कोई मर्जी नहीं, ना ही कोई हील हुजत, बस जिउंदे ही मरना पैंदा है। मुरदा होए मुरीद ना गली होवना, साबर सिदक शहीद भरम भाव खोवना, गोला मुल खरीद कारे जोवना, ना तिस भुख ना नींद ना खाना सोवना। हुक्म दे विच तां त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाव जियो, इउं पावे है हर दरसावड़ा नह लग्गै तत्ती वाव जियो। गुरु घर विच तां हुक्म ही प्रवान है ते हुक्म ही प्रधान है। जो हुक्म मनदा है हुक्म दे अगे सिर झुकाउंदा है वह अपने खसम अपने मालक नूं भा जांदा है। जिवें भाई गुरदास जी का वचन है कि खसमै सोई भावदा, खसमै दा जिस भाणा भावै, भाणा मन्नै मन्नियै अपना भाणा आप मनावै, तथा हुक्म मन्ने सो जन प्रवान। धन गुरु अमरदास साहिब पातशाह। धन गुरु अर्जन देव पातशाह पावन वचन करते हैं कि हर का भाणा मन्नै से जन प्रवान। जो हुक्म मनण की इस अत्यंत औखी खेड नूं खेड लैंदा है उस नूं फिर उस हुक्म ही विच समाई मिल जाती है। धन गुरु नानक देव पातशाह जी का पावन वचन है, हुक्म रजाई जो चलै सो पवै खजाना। बाबा जी ने इस हुक्म दे मूहरे इस हुक्म दे अगे सिर झुकाया अते सत वचन कह के मन विच निर्णा कर लिया कि सतगुरु जी की खुशी प्राप्त करन लई उन्हां दा हुक्म सिर मथे वजाउणा है। इस लई इस एकांत विचों ना चाहुंदिआं होइआं भी हुण जल्दी ही चाले पा देने हन। इन्हां दिनां विच ही बाबा जी दे छोटे भाई सरदार लक्ष्मण सिंह जी कामकार संभालण वास्ते सहत परिवार पिंड धुग्गे तों करेरुए पुज चुके सन। बाबा जी ने उन्हां नूं बेनती कर दित्ती कि सतगुरु जी दे हुक्म अनुसार असीं हुण पंजाब जा के गुरसिखी प्रचार की सेवा करनी है, इस लई इत्थे दा सारा कामकाज हुण तुसीं संभाल लवो। इस प्रकार पिंड करेरुए तों चल के बाबा जी पिंड धुग्गे माता जी पास पुज्जे। माता जी नूं मिल के गुरु महाराज जी वलों दिते संकेत दे आधार ते सदियां तों वैरान पए थे उपर जिथे हुण गुरद्वारा रामपुर खेड़ा साहिब सुशोभित है इत्थे पुज्जे।
सारी जगह फिर तुर के वेखी। उपरंत शाम नूं पिंड बाले विखे भाई गुरबख्श सिंह जी जो बाबा जी दे 119 चक सरगोधा विच रहिंदे समय तों वाकिफ सन उन्हां दे घर पुज्जे। रात दा टिकाणा इत्थे कीता अते सारा विचार दस्या कि असीं हुण तुहाडे लागले थे ते टिकाणा करके भजन सिमरन अते गुरसिक्खी प्रचार करना है। सरदार गुरबख्श सिंह होरां ने भी बड़ी खुशी प्रगटाई कि सानू भी हर रोज आप जी दे दर्शन हो जाया करनगे अते संगत करन दा सुभाग बन जाएगा। दिन चढ़दे सार बाबा जी ने भाई गुरबख्श सिंह नूं नाल लै के फिर दोबारा इस बे आबाद थे दा निरीक्षण कीता कि सिर लकाउण जोगा बिना खर्च तो किवें ते कित्थे कोई छोटा जिहा टिकाणा बन सकता है। जिथे अजकल ट्यूबवैल है अते इशनान घर है इधर उस समय दरख्त घट सन ते इह पासा भी नीवां सी। बाबा जी ने सुझाव दिता कि गुरबख्श सिंह जे तुसीं दो तीन साथी रल के इस उच्चे ढहे विच इक कुंदरा जिही भाव कच्ची गुफा बना देवो जिस विच एक मंजा डह सके, दरवाजे की जगह असीं कानियां दा खिड़का बना के ला लैणा है। भाई गुरबख्श सिंह ने सतबचन कहा ते अगले ही दिन अपने नाल एक दो साथी जिन्हां विच सरदार हरी सिंह जी, सपुत्तर साहब बूटा सिंह जी ते सरदार दसुंदा सिंह जी दोवें बालियां दे वसनीक सन, वह अपने साथी लै के कईआं अते सबलां नाल उस ढहे भाव उच्ची जगह विच एक सुरंग दी शकल दी गुफा बनाउणी शुरू कर दित्ती। जिन्ना को काम होया कीता रात फिर बाले भाई गुरबख्श सिंह जी दे घर बाबा जी आ टिके। अगले दिन फिर यह गुरसिक्खी प्रचार दे केंद्र दी तैयारी वास्ते कच्ची गुफा खोदन चल पए। गुफा खोददियां ते पिंड गोंदपुर दा एक सियाणा बजुर्ग इन्हां दे कोल दी लंघदा होया बाबा जी पास आ गया ते कहण लगा कि मैं कल भी इत्थों दी लंघिया सां, ये मुंडे पसीनो पसीना होए आ कुंदर जी कढे जांदे हन ते मैं इन्हां नूं पुछिया सी कि ये किस वास्ते करदे पए हो, तां इन्हां अग्गियों आख्या कि साडे संतां ने इत्थे ठहर के भजन करना है। ते ओ बजुर्ग कहण लगा कि मैं इन्हां नूं सलाह दित्ती कि तुहाडे जिस संत ने इत्थे ठहरना है ना उस नूं पहलां एक रात इत्थे टका के तां वेख लो, जे ठहर गए फिर कढ लैयो, एवें ही जोर लाई जांदे हो किता किते इह गुफा कढ़ी कढ़ाई ना रह जाए। उस समय बाबा जी सीधी दस्तार सजाउंदे सन अते कमीज पजामा जो आम लोकां दी पोशाक सी पाउंदे सन, कोई साधु संतां वाला उचेचा भेख नहीं सी बनाया होया, जिस कारण उस बजुर्ग नूं इह नहीं पता लग सकिया कि जिन्हां दे नाल उह इह बचन कर रहा है उन्हां ने ही इत्थे रहना है। ते बाबा जी ने उस प्रेमी नूं बड़े प्यार नाल उत्तर दिता कि कोई नहीं जी, देखो जिहड़ा आवेगा उह रहू भी, तुसीं एवें चिंता ना करो, इह गुफा कढ़ी कढ़ाई नहीं रहिंदी। अगों उसने फिर जवाब दिता कि मेरी भी दाढ़ी इस थां नूं तकदियां ही चिट्टी होई है, इस जगह कई आए कई गए पर टेक कोई नहीं सकिया क्योंकि यह जगह बहुत सख्त है, इत्थे भूतां प्रेतां अते आवगत रूहां दा वासा ते जोर है, वो किसे नूं इत्थे टिकण नहीं दिंदियां। इन्नी गल कह के वह प्रेमी जो गोंदपुर पिंड दा वसनीक नारायण सिंह सी अपने नगर नूं चला गया। दो कु दिनां विच यह गुफा तैयार हो गई। नेड़े तो ही काने वढ के ते गुंद के उस तैयार होई गुफा दा दरवाजा बना दिता गया। बिना कोई माया दे खर्चे, बिना सीमट इट्टां लक्कड़ दे लियांदियां रहायश लई एक जगह बन गई। एक मंजा जो गुरद्वारा साहब विच अज भी मौजूद है उस नवें बने मकान भाव गुफा विच स्थापित कर लिया गया। उपर एक दरी विछा के भजन लई, बंदगी लई, सिमरन लई, प्रभु इबादत लई आसन तैयार कर लिया। सारी तैयारी करके बाबा जी फिर प्रोफेसर गुरबख्श सिंह होरां दे घर बाहले पिंड आ टिके। अगले दिन ही इस उजाड़ थे दी उचाई विच सिमरन करन लई बनाई कच्ची कुंदरा विच अरदास करके सिमरन दा निजम आरंभ कर दिता। आप जी हर रोज़ दी तरह 2 बजे सावधान हो जांदे, सौच इशनान करन उपरंत गुरु हुकम नितनेम नूं पूरा करदे, सुखमनी साहब दा पाठ पूरा करके आरंभ कीते निजम। इस समय आप जी 32 माला मूल मंत्र दियां हर रोज़ करिया करदे सन, सो उस निजम नूं पूरा करन लई जुट जांदे।
दोपहर नूं भाई गुरु बख्श सिंह जी अपने घरों पिंड बाले तो भावनी नाल बाबा जी दे आहार लई लंगर लै आउंदे। अल्प आहार करके आप जी थोड़ा शरीरक आराम करदे, मुड़ सावधान होके आरंभे हुए निजम नूं पूरा करन लई तत्पर हो जांदे। शाम नूं सोदर दी हाजरी लवा के सोहला पढ़ के देर रात तक गुरमंत्र राही प्रभु चरणा नाल सुरती जोड़ के रस माणदे। नींद दे ज्यादा जोर पाउण ते आप जी शरीर नूं आराम करन दिंदे, पर आत्मा फिर भी गुरु चरणा नाल जुड़ी रहिंदी। बाबा जी नूं लंगर छकाउण उपरंत भाई गुरबख्श सिंह जी भी प्रभु याद विच काफी समा हर रोज गुरु लेखे लाउंदे। आप जी ने महापुरखां दी सेवा करके ते सिमरन विच जुड़ के काफी लाहा प्राप्त कीता।